अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उमर अशरफ। आज 5 जून 2023 है और आप दोस्तों से ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके बताना चाहता हूँ कि आज 4 महीने 5 महीने के बाद, तकरीबन 5 महीने 5.5 महीने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने नया फोन परचेज कर लिया है। और दोस्तों ये एक बड़ा मुश्किल सफर था, बहुत ही मुश्किल और बड़ी जदोजहद और दुआएं कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसमें 3-4 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, मेरे पास एक फोन था, मैंने वो मजबूरी थी सेल कर दिया, 31,000 का लिया था, 18,000 का सेल कर दिया। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, एक फोन लिया, वो खराब हो गया, उसकी बैटरी जल गई और वो था कोई 40-50,000 रुपए। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, हम तो अच्छे की तरफ जा रहे थे, ये तो बुरा हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक फोन खरीदा 11,000 रुपए का, वो 11,000 रुपए का फोन बड़ी मुश्किल से, जो बटनों वाला आपने लिया था, हाँ ये एक बटनों वाला लिया 4,800 रुपए, 4,800 या 4,500 का शायद। फिर मुझे तकलीफ हुई, मैंने सोचा मैं रातें कैसे गुजारूं, वो जो 4 का आपने बेचा, फिर एक और बटनों वाला लिया, वो फिर 4 का बेचा, फिर एक और लिया बटनों, वो देके फिर एक और लिया 11,000। और फिर आज अल्लाह का शुक्र है कि एक दोस्त है, उसकी मेहरबानी से फिर थोड़ी हमने 54,000 रुपीज़ का जो फ़ोन था वो हमने तकरीबन 40-45,000 में, 45-40 में पड़ गया अगर हम सही तरह लें किसी शॉप से जाते। तो फ्रेंड्स ये बड़ा लंबा सफ़र था, अभी हम आपको उस बॉक्स, उस मोबाइल की अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे जो हमने ख़रीदा है, उसको डब्बे में डालेंगे, फिर डब्बे से निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने जो आज फ़ोन ख़रीदा उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे इंशाल्लाह और वो आपको दिखाएंगे। आज हमने समोसे खाने भी जाना है, हमने फ़ोन ख़रीदा इंशाल्लाह और अभी हम थोड़ी देर तक जाएंगे, समोसे ख़रीदेंगे, वो खाएंगे इंशाल्लाह। और अपने दुआ, क्योंकि दुआओं की तौर पे, शुक्र के तौर पे, क्योंकि 5-6 महीने हो गए हैं, बहुत मुश्किल में वक्त गुजरा और दुआएं कर करके कर करके तो आज चलें फ़ोन हम कम अज़ कम ले लिए, खाएँगे वो समोसे इंशाल्लाह, समोसे खाएँगे तो इंशाल्लाह, मतलब सच बोल रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो वाइंड अप करेंगे कुछ टाइम के बाद, फिर हम लोग, अच्छा इस चीज़ में आपको 2-3 चीज़ें बता चुका हूँ, जब भी कभी आप लोग फ़ोन ख़रीदें उसको बेचने की नीयत से ना ख़रीदें, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड्स, इस लफ्ज को इस खोपड़ी में बैठा लें, फ़ोन ख़रीदें इस्तेमाल करने की, कुछ ऐसा इस्तेमाल करके ज़रूर बेच दें लेकिन खरीदें इस्तेमाल के, कभी ये ना सोच के लें कि आए ले रहा हूँ कल बेच दूँ, ऐसा कभी ना करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर कभी आपका फ़ोन का कोई मसला हो जाए तो आप कोशिश करें कि उस फ़ोन को दिमाग में ना हैवी कर लें कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा मुतमिन रहें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर दे देगा, लेकिन दुआ ज़रूर करें, शोखी ना मारें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो हमेशा सुनता है, हम जैसों की भी सुनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये सफ़र आपको जो फ़ोन के बगैर और उस एक फ़ोन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद बटनों वाले के बाद फिर बटनों वाला और उसके बाद फिर एक 11,000 का लिया, वो 11,000 वाला नाम उसमें कोई वीडियो अपलोड होती थी ना, उसमें कोई टिकटॉक चलता था और ना उस कम वक्त में कोई और चीज़ अपलोड होती थी, पता नहीं वो क्या सोच के बनाया था जिस कंपनी ने बनाया था। तो अल्लाह हदायत दे ऐसी कंपनी को, उस कंपनी का मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन ये है कि हदायत दे अल्लाह ताला, कैसे मोबाइल मत बनाओ ना यार जिनमें कुछ भी नहीं अपलोड होता। तो इस खूबसूरत से मैसेज के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दिस इज उमर अशरफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद फैमिली टीवी। कितना टाइम हो गया यार?
तो बस ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे।